नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची में दो महीना के लिए धारा 144 लागू। झारखंड की राजधानी रांची के प्रमुख 7 स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। मंगलवार दोपहर से 60 दिनों तक यह प्रभावी रहेगी। इस संबंध में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जिला प्रशासन को कुछ संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली निकालने की सूचना मिली है। हाल के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क, राजभवन और सीएम आवास के पास भी धरना और प्रदर्शन किया गया। ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी काम में व्यवधान हो रहा है, वहीं यातायात बाधित होती है और शांति भंग होने का खतरा भी रहता है। इसे देखते हुए धारा 144 लागू किया गया है। इस दौरान किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा के आयोजन पर रोक रहेगी। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी डंडा, तीर धनुष, गरासा, भाला आदि लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल भी इन इलाकों में रोक रहेगी। अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी खत्म। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह, उनके पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर 12 मार्च को शुरू हुई ईडी की छापेमारी 13 मार्च को समाप्त हो गई है। छापेमारी के दौरान योगेंद्र शाह के ठिकानों से जमीन के 100 से अधिक दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा बैंकों के सील मोहर भी मिले हैं। इससे इन लोगों द्वारा बैंकों के नाम पर जालसाजी करने की आशंका जताई जा रही है। ईडी ने बालू के अवैध कारोबार से संबंधित रजिस्टर भी जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने विभिन्न ठिकानों से कुल 30 लाख रुपए जब्त किए हैं। इसमें से 15 लाख रुपए गोविंदपुर के सीओ शशिभूषण के घर से मिले हैं। वहीं 11 लाख रुपए योगेंद्र साव के साले मुकेश साव के घर से भी बरामद किए गए। ईडी ने छापेमारी के दायरे में शामिल किए गए लोगों के मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिए हैं। झारखंड सरकार विदेशी पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा के लिए उठाएगी कदम। झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका के हंसडीहा से स्पेनिश बोलने वाली महिला टूरिस्ट से हुई गैंगरेप की घटना पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पत्र सुना। इसके बाद खंडपीठ ने विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा व सहायता को लेकर बनाए जा रहे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के संबंध में विस्तृत शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 2 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पैरवी की। उन्होंने मौखिक रूप से खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार झारखंड की सीमा के अंदर आने वाले विदेशी पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा को लेकर गंभीर है। झारखंड में 16 से 18 तक बारिश, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। बुधवार को राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। इसका ज्यादा असर 16 मार्च से दिखेगा। 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 16 मार्च को राज्य के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो सकती है। 17 और 18 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारिश से राजधानी सहित राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान एक बार फिर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। 11वीं सिविल सेवा की परीक्षा 17 मार्च को। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा पीटी 17 मार्च 2024 को होगी। 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सभी 24 जिलों में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें 17 मार्च को परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन तथा दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में परेशानी होने पर अभ्यर्थी आयोग के हेल्पलाइन नंबर 94131314 पर 16 मार्च तक कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में बालू माफियाओं पर अब होगा एक्शन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य में विधि व्यवस्था, राज्य में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में अपराध की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाए, राज्य में घटित आपराधिक घटनाओं की प्रवृत्ति को सूचीबद्ध करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि पिछले कुछ समय में राज्य के भीतर घटित आपराधिक मामलों जैसे हत्या, डकैती, लूट, छिनताई, चोरी, साइबर अपराध सहित अन्य मामलों की अलग अलग समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराध मुक्त झारखंड का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जमीन खरीद बिक्री से जुड़े आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मोदी सरकार के पीएम सूरज पोर्टल से 15 लाख तक बिजनेस लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ व सफाई मित्रों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को क्लस्टर भवन में किया गया। पीएम सूरज पोर्टल पर केंद्र सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इसमें राशन, आवास, पेंशन और बीमा जैसी अनेकों योजनाएं शामिल है। यह पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित और जन कल्याण के लिए है। बता दें, इस पोर्टल के जरिए ऋण सहायता स्वीकृति की जाएगी। इसके पात्र लोगों को ऋण लेने में सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे, जिसमें 15 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इस पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा। सीएम से मिले पंचायत सेवक, जताया आभार। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक कर्मी बुधवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से उनके आवास पर मिले। उन्होंने कैबिनेट द्वारा पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नामांकन पंचायत सहायक करने, हर महीने 2500 रुपये मानदेय देने और पूर्व की भांति अन्य विभागों की तरह प्रोत्साहन राशि देने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है और उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनकी लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करने का काम किया है। इससे राज्य भर में कार्यरत लगभग 18,000 पंचायत स्वयं सेवकों में हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, सचिव युगल किशोर प्रसाद, कोषाध्यक्ष बाल गोविंद महतो, प्रभात भूषण, राजेश्वर बैठा शामिल थे। हेमंत को नहीं छोड़ा गया तो राज्य के बाहर नहीं जाने देंगे खनिज। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में बुधवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राजधानी में न्याय आक्रोश मार्च निकाला। इसमें विभिन्न संगठन के लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम किए। इस मार्च के जरिए केंद्र सरकार और ईडी की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन जल्द रिहा नहीं किए गए तो झारखंड से खनिज संपदा बाहर नहीं जाने देंगे। इसको लेकर झारखंड बंद और आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। जरूरत पड़ी तो महिलाएं जनी शिकार का रूप धारण करके सड़क पर उतरेंगी। कोकर से निकाला गया मार्च राजभवन पहुंचा। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जय तिर्की ने कहा है कि भाजपा सत्ता हथियाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। कुख्यात नक्सली दुनेश उराव गिरफ्तार, 5 अन्य भी दबोचे गए। गढ़वा जिले का कुख्यात नक्सली 5 लाख का इनामी दुनेश उराव सहित 6 नक्सली को छत्तीसगढ़ से जसपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से AK-47 गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। जसपुर पुलिस ने उनके साथ अन्य 5 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। गढ़वा SP, बलरामपुर SP और जसपुर संभाग के IG ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। बता दें, गढ़वा SP दीपक पांडे मौके पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा IG अंकित गर्ग ने बताया है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में दुनेश उराव पर 31 मामले दर्ज हैं। लगातार पुलिस ऑपरेशन चलाकर कुख्यात नक्सली दुनेश उराव के साथ उनके दस्ते को धर दबोचने के प्रयास जारी थी। झारखंड के टोटो में 10 IED बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के बनग्राम जिमकी कीर बागान के पास से जंगल से बुधवार को सुरक्षा बलों ने 10 IED और गोइलकेरा थाना क्षेत्र से 2 स्पाइक होल बरामद किया है। इनमें 3-3 किलो के 8, 5 किलो का 1 और 4 किलो का 1 IED शामिल है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए IED प्लांट किया था। पुलिस अधीक्षक आशुतोष ने बताया है कि बरामद सभी IED और स्पाइक होल को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। बाहा पर्व के मौके पर पारसनाथ पर्वत में उमड़ा आदिवासी समाज। मरांगबुरु बोगाबुरु समिति ने बुधवार को पारसनाथ में धूमधाम के साथ बाहा पर्व मनाया। मरांगबुरु पारसनाथ की तलहटी में स्थित दिसोम मांझी थाना में इस पर्व के प्रति जनजातीय अनुराग देखते ही बना। सभ्यता के आदिम नागरिकों का प्रकृति के प्रति अनुराग से उनका जीवन भरा हुआ है। पारसनाथ में जनजातीय समाज का समागम इसका प्रमाण बनकर सामने आया। मंगलवार की रात ही मांझी थाना से जग जाहिर थाना के लिए निकले लोग प्रतिवर्ष बाहा पर्व के मौके पर झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावे विभिन्न राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं। मंगलवार की देर रात ही आदिवासी समुदाय के काफी लोग मांझी थाना से जुग जाहिर थाना के लिए निकल गए। 15 मार्च को बाबा बागेश्वर धाम सरकार देवघर में। झारखंड स्थित बाबा नगरी में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 मार्च को दोपहर 12:30 बजे चार्टर प्लेन से आएंगे। वह सीधे देवघर कॉलेज मैदान पहुंचेंगे।
देवघर कॉलेज मैदान में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आध्यात्मिक प्रवचन होगा। देवघर कॉलेज मैदान में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अगुवाई में तैयारी तेजी से चल रही है। 24 घंटे पंडाल बनाने का काम चल रहा है। सांसद डॉक्टर दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन 3 घंटे तक होगा। इस कार्यक्रम में आम व खास लोगों के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं होगी, सभी आम लोगों की तरह पंडाल में बैठेंगे। धन्यवाद।